मानसून से पहले उजागर हुआ मनपा का भ्रष्टाचार, 70 बिल्डिंग में नहीं है ड्रेनेज की लाइन, भरता है बारिश का पानी। गगनचुंबी इमारतों में नहीं है गटर की मुख्य लाइन, विधायक ने किया मनपा के भ्रष्टाचार का खुलासा। मुंबई में मानसून दस्तक दे चुका है लेकिन मुंबई महानगर पालिका की तैयारियां बिल्कुल नदारद है। कांदीवली का पौश इलाके में 90 फीट रोड स्थित करीब 70 बिल्डिंग ऐसी है जिनको अब तक ड्रेनेज लाइन से जोड़ा नहीं गया है, जिसके चलते हर वर्ष यहाँ बारिश का पानी भरता है। इन 70 बिल्डिंग में करीब 40,000 लोग रहते हैं जो पिछले 10 सालों से बारिश के पानी के चलते प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद स्थानीय भाजपा नेता अशोक सिन्हा ने विधायक सुनील राणे से विषय पर चर्चा कर इलाके का दौरा किया और बारिश के खत्म होते ही सभी बिल्डिंग्स के ड्रेनेज लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। विधायक राणे ने मनपा अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि मनपा का बगल में बिल्डिंग विभाग का दफ्तर है लेकिन इनकी लापरवाही के चलते यहाँ बड़ी संख्या में लोग बारिश के पानी में डूबते हैं। जब यहाँ बिल्डिंग बन रही थी तब मनपा के बिल्डिंग विभाग ने इनको ओसी और परमिशन कैसे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें मनपा का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। सोसाइटी के मेंबरों को 2 दिन पहले बुला करके मीटिंग रखा गया था और उन लोगों की जो भी समस्या थी उसे इस एरिया के नगर सेवक आशावरी पाटिल और विधायक सुनील राणे जी ने सुना। सुनने के बाद ये फैसला हुआ कि मंगलवार को सुबह 7 बजे सब लोग आ जाए, हर जगह का विजिट किया जाएगा और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ के जो सीवरेज लाइन थी, यहाँ के बहुत से बिल्डिंग ऐसे हैं जिनमें आज तक सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन बीएमसी जो हम लोग को बिल भेजती है प्रॉपर्टी टैक्स का, सोसाइटी को भेजे या इंडिविजुअल करके भेजे, हर एक में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ सीवरेज का चार्ज भी रहता है और भी 50 तरह का चार्ज होता है, लेकिन कभी भी हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। और ख़ास करके सीवरेज के बारे में नहीं होने से हर सोसाइटी को बहुत दिक्कत होती है, बारिश में पानी भर जाता है तो सीवरेज का पानी भी बाहर बहने लगता है जिससे बच्चों को, महिलाओं, बड़े बुजुर्गों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो सुनील राणे जी ने सारी समस्या सुनने के बाद ये फैसला किया कि बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान किया जाएगा। इसका ये जो भाग है संस्कृति से लेके रिवाली पार्क, यानी 90 फीट रोड से लेके यानी सुरभि होटल से लेके सुस्वागतम तक, यहाँ पर की समस्याएं जो है वो लगातार लोगों की शिकायतें आती रहती है कि सुवेज इनका जो है यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्डिंगों की जो मेन लाइन को कनेक्टेड ही नहीं है। पिछले कई वर्षों से महानगर पालिका ने यहाँ पर सभी बिल्डिंगों को बांधने के लिए इजाज़त दे दी, जो परमिशन लगती है वो सभी विकासकों ने ले ली, जो प्राथमिकता की परमिशन होती है। आप देखते हो मेरे पीछे ये शिवालय टॉवर है, आप यहाँ पर जाओगे तो ये सनटेक की नई बिल्डिंग खड़ी है, ऐसे अलग अलग बड़े बड़े टॉवर इस इलाके में खड़े हैं, बहुत अच्छे नागरिक यहाँ पर रहते हैं। ऐसे स्थिति में महानगर पालिका का ये जो दृष्टिकोण है कि इनको सुवेज लाइन ही कनेक्टेड नहीं है, इतने सालों से ये अपना पूरे ड्रेनेज ये एक एसटीपी या फिर सेप्टिक टैंक पे चल रहा है, इसके लिए लगातार हमने कोशिश करके पिछले 6 महीने से जो आगे की फेज़ है संस्कृति 1, 2, 3 से लेके पूरी वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है उनका जो ड्रेनेज की सिस्टम थी वो भी जोड़ने का प्रयास हमने करके महानगर पालिका के तरफ से वो करके पूरा किया, उसका काम अभी पूरा हो जाएगा। वैसे ही करीबन यहाँ पर 60-70 इमारतें ऐसी है जिनको ड्रेनेज महानगर पालिका को जोड़ा ही नहीं है, ये तो आश्चर्यचकित की बात है। तो महानगर पालिका किस आधार पे इनको बांधने की परमिशन देती है, इनकी तो ओसी का विषय जब आता है तो ओसी के विषय में विकासक और जिन्होंने फ्लैट खरीदे उनका लगातार संघर्ष होते रहता है। ऐसे सब विषय को लेके हर हफ्ते में मैं एक बार सुबह और एक बार रात को यानी बोरीवली की सुरक्षा को देखने के लिए रात को 1 बजे से 3 बजे तक जाता हूँ। वैसे सुबह 6:30 से 8:30 का हफ्ते में एक बार का मेरा दौरा होता है। वैसे आज के दौरे में बोरीवली पूर्व का ये 90 फीट का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, सबसे बड़ा प्रश्न जो बिल्डिंगों में से निकलने वाले ड्रेनेज को महानगर पालिका के मुख्य लाइन को जोड़ने का जो प्रयास है वो पिछले कई वर्षों से महानगर पालिका ने नहीं किया, उसके लिए आज हमारी नगर सेविका आशावरी देवी पाटिल के साथ हम दौरे पर। सर ये विलेज में है कि कॉम्प्लेक्स में भी है? नहीं, विलेज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये 90 फीट रोड है, पूरा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। और आश्चर्य की बात है कि ये रोड के कोने में अगर चले जाओ तो वहाँ पर महानगर पालिका का सभी बिल्डिंगों को परवानगी देने वाला ऑफिस है जिसको बिल्डिंग प्रपोजल कहते हैं, यानी बिल्डिंग यानी हम कहते हैं ना कि जहाँ पर बिल्डिंग प्रपोजल बैठा है उसके नीचे ही अंधेरा है,
सर सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा लूप होल जो है बीएमसी ने दिया है, इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, ड्रेनेज का लाइन ही नहीं है, ये सबसे बड़ा लूप होल बीएमसी द्वारा। बीएमसी लापरवाही मानते हैं आप? मैं तो बीएमसी की लापरवाही मानता हूँ। बीएमसी के अधिकारियों को ये पूछना चाहिए कि निश्चित रूप से आप अगर अच्छा काम करते हो तो हम आपकी सराहना करते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से नागरिक दर दर भटक रहे हैं और बेचारों को एक विशेष है कि अपनी सुविधा अपने बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने के बाद इनके विकासक जो है वो महानगर पालिका की तरफ उंगलियां करते हैं। ऐसे स्थिति में ये जो नागरिक है, इन्होंने जो अपना घर खरीदा है, जिनको हक है पानी का और ड्रेनेज का, वो महानगर पालिका अगर नहीं देती है तो महानगर पालिका को कटघरे में खड़ा करना। सर विकासकों को भी दोष मानते हैं कि विकासकों को दोष नहीं, विकासकों ने महानगर पालिका से जब ये प्लान मंजूर करते हैं, इनका नियोजन करते हैं, तो ये सिस्टम में अगर इनको मालूम है कि यहाँ पर ड्रेनेज लाइन ही नहीं है, तो विकासकों ने हालांकि महानगर पालिका के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि आप पहला ये करो। देखो कोई भी टाउन बनता है, कोई भी शहर बनता है, तो पहले ड्रेनेज, फिर पानी की लाइन, फिर बारिश की पानी की लाइन, ऐसा करके वो टाउन बनाया जाता है। यहाँ पर बोरीवली पूर्व की स्थिति ध्यान में लेते हुए मुझे लगता है महानगर पालिका चारों तरफ से घेरने की स्थिति में आई हुई है, क्योंकि इनको ड्रेनेज की व्यवस्था ही इन्होंने नहीं की है। सर विजिट के बाद आखिर कब चालू काम कर दिया जाएगा? देखो विजिट के बाद तुरंत काम चालू करूँ तो मैं कोई अलाउद्दीन नहीं हूँ, तो मुझे भी समय लगेगा महानगर पालिका के साथ बात करके, उनको ये दिखा के, नागरिकों के जो प्रश्न है उसको एक फोरम में बता के, जैसे हमने संस्कृति का किया, वो भी कई वर्षों से वहाँ पर प्रलंबित था, उसको हमने 6 महीनों में काम उसका शुरू हुआ है, तो ये भी काम निश्चित रूप से आने वाले बारिश के बाद शुरू करेंगे।